तो फेल गेम फैमिली, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है रूथलेस अग्रेशन एरा की टीम, यानी कि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, कर्ट एंगर और लेवाइथन यानी कि बटिस्टा की टीम, और दूसरी तरफ है टीम ब्लडलाइन। तो ये जो 8-मैन टैग टीम एलिमिनेशन मैच है ना, इस मैच में इतना मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और ये मैच बहुत ज्यादा जबरदस्त भी होगा। तो चलो फिर आज का गेम प्ले स्टार्ट किया जाए, और फेल गेम फैमिली जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप नए हो भाई तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, और कमेंट करके आप अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हो कि क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा। लेवाइथन वर्सेस सोलो का फिनिशर रिवर्स कर दिया है लेवाइथन ने। लेवाइथन को मैं बटिस्टा ही बोलूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब बटिस्टा ने मेन रोस्टर में डेब्यू किया था ना, तब उन्हें भाई ये चेन वाला कैरेक्टर यानी कि लेवाइथन मिला था, और बटिस्टा चुप रहते थे, बड़ा गंदा कैरेक्टर था। और एक और फिनिशर लेकिन रिवर्स कर दिया है लेवाइथन यानी कि बटिस्टा ने, सोलो सिकावा का दो दो फिनिशर छीन लिया भाई बटिस्टा ने। लेकिन बटिस्टा को ज्यादा फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि तीन फिनिशर के बाद चौथा फिनिशर नहीं आ सकता है। अच्छा, टूकी को ऐसा बनाना चाहिए था कि तीन फिनिशर से आप ज्यादा रख सकते हो। पुराने गेम्स में तो ये भी था कि आप इनफिनाइट फिनिशर रख सकते हो, यानी कि मैच शुरू हुआ फिनिशर फिनिशर फिनिशर, सोचो कैसा मैच होगा भाई। अगर वैसा ऑप्शन आ जाए तब वन ऑन वन मैच का सोचो क्या हाल होगा, सिर्फ फिनिशर से बातें होंगी। सोलो भारी पड़ रहा है बटिस्टा पे, बटिस्टा का हेड भी डैमेज कर दिया है। सोलो अच्छा जा रहा है, सामान यूज कर सकता है रिंग के बाहर, लेकिन काउंट 5 ही है सोलो। सोलो बाकी सब पे ध्यान छोड़कर बटिस्टा पे ध्यान दे। सोलो अगर काउंट आउट होकर इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गया ना, रोमन बहुत मारेंगे। मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है मैच, सोलो सोलो यही हरकत रही ना, तो फिर लाइफ में भी सोलो रह जाएगा भाई, ब्लड लाइन से निकाल दिया जाएगा। अंदर जा बटिस्टा, अंदर चले गए, तीन हो गया है। सोलो लगता है काउंट आउट होने वाला है, बच गया भाई, अंदर आया सोलो। सोलो नहीं रहेगा, सोलो ब्लड लाइन के साथ रहेगा। सोलो रिकवर कर रहा है, बटिस्टा और सोलो को ना टैग दे देना चाहिए। मतलब 8-मैन टैग टीम मैच है, तो अपने पार्टनर्स का भी पूरा यूज करो, और जब टाइम मिले रिकवर कर लो। बटिस्टा टैग दे सकते हो या फिनिशर भी दे सकते थे, मुझे लगा उछाला तो शायद कैचिंग पावर बॉम्ब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तीन तीन बटिस्टा बॉम्ब है बटिस्टा के पास, लेकिन एक भी यूज करा नहीं, ट्राई भी नहीं किया। ओए ट्राई कर लिया, बटिस्टा ने मेरी बात सुन ली, और फर्स्ट बटिस्टा बॉम्ब सोलो। ये रेफरी का क्या दिखा रहा है कैमरामैन, कैमरामैन ऐसे क्यों करता है भाई, मेन इतने अच्छे मूव के टाइम पर रेफरी के पीछे से एंगल दिखा रहा है भाई। कसम से बताता हूं ना, कैमरामैन ना बहुत बड़ा बदमाश आदमी है। फंसा के पिनफॉल, लेकिन होगा नहीं। ये देखो फंसा के पिनफॉल होने वाला है नहीं। सोलो ने ट्राई किया लेकिन पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। सोलो थोड़ा मार ले शायद, उसके बाद फिर फंसा के पिनफॉल हो सकता है। हर दो सेकंड के अंदर इस मैच में क्योस मच जा रहा है, दो तीन आदमी जरूर आ जा रहे हैं अंदर। बटिस्टा टैग दे सकते हैं, ब्रॉक लेसनर और सीना दोनों टैग मांग रहे हैं, लेकिन बटिस्टा लेटे रह गए, टैग नहीं दे पाए। अभी भी मौका है, किसको टैग, सीना को टैग नहीं दिया बटिस्टा ने। बटिस्टा ने भाई सीना को जबकि टैग देने गए थे, लेकिन टैग दिया नहीं। ये गलती थी या नहीं अभी पता चल जाएगी कुछ देर में। बटिस्टा का हेड ऑरेंज है, सोलो का बॉडी येल्लो है, समान यूज कर सकते हैं, लीगल है भाई, क्योंकि मैंने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कर दिया है। और ये मच चुका है फुल ऑन क्योस, रूथलेस एग्रेशन के सुपरस्टार्स और टीम ब्लडलाइन के बीच में, रिंग के साइड में कोई नहीं खड़ा है, सब अलग अलग जगह पे लड़ रहे भाई। यही यही तो चाहिए टैग टीम मैच में, लेकिन ऐसा है ना कि सब अपनी अपनी जगह वापस आ जाओ, क्योंकि मैच को आगे कंटिन्यू भी करना है। सोलो काउंट आउट मत हो जाना, मुझे शुरू से लग रहा है कि सोलो काउंट आउट होगा। ब्रॉक लेसनर जब अंदर ही तो जा रहा था सोलो, मतलब ऐसे पकड़ के भेजने का क्या मतलब था। बटिस्टा को अपर हैंड मिल गया, ब्रॉक ने दिमाग लगाया, अच्छा किया था, लेकिन ज्यादा देर के लिए अपर हैंड नहीं मिल पाया। चलो ब्रॉक लेसनर को टैग मिल गया, हियर कम्स द पेन। अच्छा ब्रॉक लेसनर के सर पे बैंडेज लगा है भाई साहब, टूके ने जो डिटेल का ख्याल रखा है ना, ब्रॉक सही में एक टाइम पर सर पे बैंडेज लगा के आते थे, मतलब उनको चोट लग गई थी और वो सीना से भी फाइट कर रहे थे उस टाइम पर, वही वाले ब्रॉक लेसनर अनलॉक हुए हैं। चलो सोलो दिमाग लगा रहा है टैग देने का, अब अच्छा टाइम है, लेकिन ट्रैक करने की क्या जरूरत थी, सोलो दौड़ाने का भी ऑप्शन दिया, आयरिश व्हिप जिसे कहते हैं, दौड़ा सकता था लेकिन दौड़ाया नहीं। अब ब्रॉक डबल हैंडेड रिवर्स, सोलो रिवर्स बहुत अच्छा कर रहा है, गलती कर रहा है लेकिन रिवर्स कर करके फाइनली चलो ठीक है। ट्राइबल चीफ को टैग नहीं दिया, राइट हैंड मैन को टैग दिया है। ट्राइबल चीफ लगता है सबसे आखिरी में आएंगे, जब ऐसा लगे कि ब्लड लाइन हार सकती है। जे उसो द राइट हैंड मैन वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट, रिवर्स कर दिया भाई साहब F5, लेकिन रिवर्स नहीं किया, आई थिंक डॉज किया है। रिवर्स करता तो ब्रॉक का फिनिशर चला जाता, जो कि गया नहीं है, यानी कि डॉज किया है। जे उसो मार तो ले भाई थोड़ा सा,
पहले फिनिशर विनिशर लगा दे उसके बाद पिनफॉल करना, इतनी भी क्या जल्दी है जी। बटिस्टा को छोड़ ब्रॉक लेसनर को देख, अगर बीस्ट इनकार्नेट रिकवर करके ना बहुत मार पड़ेगी फिर, अब इसको पढ़ने वाली है जी उसको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा। देख लो भाई अब ब्रॉक ने डायरेक्ट स्टील स्टेप्स निकाल लिया है लेकिन अंदर लेकर नहीं आए। चलो जियोसो की भी किस्मत अच्छी है, जियोसो मैंने बोला था बटिस्टा पे ध्यान मत दे, लग गया ना F5, देख लिया लापरवाही का नतीजा। इतनी जल्दी तो पिनफॉल नहीं होना चाहिए लेकिन देखते हैं। ट्राइबल चीफ ने रेफरी को गिनने का मौका तक नहीं दिया भाई, वन छोड़ो आधा भी नहीं हुआ है। बटिस्टा भी अब आकर अपना फिनिशर दे सकते हैं। अच्छा ये बटिस्टा और ब्रॉक लेसनर सिर्फ टैग लिए जा रहे हैं, लगता है भाई जियोसो गया टाटा, फर्स्ट एलिमिनेशन होने वाला है। बूम और जियोसो एलिमिनेट, खतरनाक एलिमिनेशन लिखा है भाई साहब। और ये गिलेटिन पकड़ लिया है, बटिस्टा भी एलिमिनेट। ट्राइबल चीफ ने मैच को बराबरी पे लेते आया है एक सेकंड के अंदर, 3-on-3 का मैच हो गया। ये सोलो क्या कर रहा है, सोलो कर क्या रहा है, मतलब कुछ तो कर रहा है नीचे, स्टील स्टेप्स लेके खड़ा हो गया। अरे सोलो कुछ तो बोलो भाई, सोलो को गंदी जुराबे सुंगा, पता नहीं क्या हो गया लड़के को। टीम लड़लाइन हार जाएगी सोलो की वजह से, क्योंकि फिलहाल 2-on-3 का मैच हो गया है। सोलो स्टील स्टेप्स लेकर अपनी जगह पे जम चुका है। अरे जिमी जाके उसको गंदी जुराब सुंगा यार, उठ रहा नहीं है सोलो, फंसा के पिनफॉल तो नहीं होने वाला है, चांस ही नहीं है। ट्राइबल चीफ का फंसा के पिनफॉल कतई नहीं होगा। कट एंगल सर, 3-3, 2-2 फिनिशर है सोलो को। अरे हाँ मारो जाके एक लात मारो सोलो को, पता नहीं क्या हो गया है। ट्राइबल चीफ भी कुछ बोलो, मतलब ये सोलो किसके इंतजार में खड़ा है, इसकी वजह से हार जाएगी भाई ब्लड लाइन। अगर ये ऐसे ही खड़ा रहा तब एक आदमी कम हो जाएगा ब्लड लाइन का, बिना खेले ही एलिमिनेट। जिमी तू ही जाकर कुछ बोल भाई, क्या कर रहा है, तेरा ही छोटा भाई है ना, जिमी का अपना छोटा भाई है, रोमन का तो फिर भी कजन है। जिमी तू जाके बोल, समझा जाके सोलो को, ऐसे नहीं करते, आजा रिंग साइड आजा। लेकिन छोड़ो हटाओ सोलो को, ऐसे भी जब तक ट्राइबल चीफ और जिमी उसको एलिमिनेट नहीं हो जाते तब तक फिलहाल सोलो का काम नहीं है। रोमन ने क्रूसिफिक्स पावर बॉम्ब लगा दिया है। कट एंगल सर ऐसा है ना, अब आपको भी जाना चाहिए टैग देने, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल चीफ मूड में आ चुके हैं। सिग्नेचर प्लस 2-2 फिनिशर, मैंने बोला था कट एंगल रिवर्स करना सर, वरना ओ बच गए। अगर रिवर्स नहीं ना करते कट एंगल तो भाई ये वाला डायरेक्ट गिलिटीन था। कट एंगल टैग दे दो, अरे 2-2 आदमी बाहर खड़े हुए, एंगल सर क्या कर रहे हो, मतलब टैग टीम मैच में टैग ही नहीं दोगे तो फिर काहे का टैग टीम मैच। टीना ने टैग मांग लिया है, डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स टैग मांग रहे हैं, लेकिन कट एंगल को टैग देना नहीं। और स्पीयर, रोमन पीछे हटते हैं ना, मैं समझ जाता हूँ कि रोमन अब स्पीयर के लिए आ रहे हैं। रेफरी पिनफॉल तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होता अगर कोई बचाने नहीं भी आता, लेकिन हाँ इसके बाद अगर स्पीयर, ओ रेफरी को मार दिया, ओ भाई 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 रेफरी को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अब रेफरी ना धीरे धीरे काउंट करेगा। ये 2K ने एक नया चीज बनाया है कि अगर आप रेफरी को मार दोगे तो रेफरी का जो नेक्स्ट पिनफॉल होगा ना वो धीरे धीरे करेगा। ये एक नया सिस्टम बनाया है लेकिन अच्छा है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। और ऐसे भी 2K की हर साल यही कोशिश है कि गेम को रियल लाइफ बनाओ। सुपरमैन पंच मिस, रियल लाइफ में रोमन ऐसे मिस नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं एक और लगा, लेकिन कट एंगल खड़े रह गए भाई, ये कैसा सुपरमैन पंच था, लगा लेकिन अच्छे से नहीं लगा, आई थिंक पता नहीं क्या था, जो भी था रोमन गिलिटीन देने की कोशिश कर रहे थे। कट एंगल ने एंकल लॉक लगा दिया भाई, खतरनाक एंकल लॉक था, कुछ भी बोलो डेंजरस था ये। सोलो पता नहीं क्या कर रहा है बेचारा, जिमी उसको मार खा के गिरा हुआ है, सोलो वही स्टील स्टेप्स लेकर मूर्ति बन चुका है सोलो को। अरे कुछ तो बोल जिमी, उसके कान में कुछ बोल, गंदी जुराब सुंगा, कुछ भी कर, उसको होश में लेके आ, गिलिटीन छीन लिया। रिंग के अंदर ट्राइबल चीफ की हर बाजी उल्टी हो रही है और सोलो बाहर पता नहीं क्या उल्टी कर रहा है भाई, आ जा अंदर यार सोलो, एक और एंकल लॉक। वो तो ट्राइबल चीफ इसकी सेकंड फिनिशर के बाद भी एलिमिनेट नहीं हुए हैं, पर अब थर्ड फिनिशर लगा ना या सिग्नेचर तब एलिमिनेट हो सकते हैं। कट एंगल सर ने बहुत अच्छा खेला और ये ब्रॉक लेसनर को टैग मिल गया, दो जानी दुश्मन। रोमन रेंस हो, सोलो होश में आ गया, मिठाइयां बटवाओ भाई, सोलो होश में आ चुका है फाइनली, इस लड़के को होश आया, लेकिन फिर मूर्ति बनने वाला है। ब्रॉक ने शूटिंग स्टार प्रेस लगा दिया खतरनाक, लेकिन पिनफॉल होगा। ट्राइबल चीफ ने किक आउट कर दिया रेजिलेंस के साथ और सोलो को होश आ गया है। सोलो के मन में था कि जब तक किसी को स्टील स्टेप से मारूंगा नहीं ना, मैं ऐसे ही रहूंगा, ठीक है सोलो ओके। ब्रॉक का फिनिशर छीना, वरना भी रोमन एलिमिनेट थे, और एक और फिनिशर छीन लिया, बैक टू बैक 2 F5 छीना भाई ट्राइबल चीफ ने।
कब तक इस मैच को संभालेंगे ट्राइबल चीफ। दो नालायक भाई बाहर खड़े हुए टाइम पास कर रहे हैं और ट्राइबल चीफ बेचारे अकेले किसी तरह मैनेज किए जा रहे हैं, लेकिन कब तक मैनेज कर पाएंगे। रोमन जिमी उसो को टैग दे दो, रोमन अपना ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी फिलहाल रोमन को भी रेस्ट की जरूरत है। टैग दे दो रोमन, वरना एलिमिनेशन हो सकता है। चलो ठीक है, इसके बाद रोमन अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला टैग देने का, रोमन स्टाइल मारने में बिजी हो गए। रोमन वी द वंस ठीक है, लेकिन टैग दे देना चाहिए था, गलती कर दी, बच गए रोमन। रोमन मतलब अकेले तीनों को संभालने के चक्कर में, सीना ब्रॉक और कट एंगल, अच्छा है रोमन, लेकिन अगर एक भी गलती करी ना तो मैच निकल जाएगा हाथ से, क्योंकि ट्राइबल चीफ एलिमिनेट इस टाइम पर ना तब ब्लड लाइन पक्का हारेगी। सीना ने कुछ ज्यादा ही जल्दी टैग नहीं दे दिया, मतलब पूरे मैच में सीना अभी अच्छे से टैग मिला था और सीना ने इतना जल्दी टैग दे दिया, वाह सीना, सीना वो टैग आ रहे। हाँ सीना आप आ जाओ और अच्छे से फाइट करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फाइट करो। सीना सीना कहाँ चले गए, सीना जब आ रहे हैं बाहर चले जा रहे, भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा कुछ सामान, डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स है ना, इसलिए सामान का भरपूर यूज होगा। सीना लेकिन कॉन्ट्रोल पे ध्यान देना, रोमन और सीना लीगल आदमी, ये ध्यान में रखना, अगर पांच हो गया तो दोनों एलिमिनेट है। सीना अंदर जाने की तैयारी करो वरना लेट हो जाएगा। सीना और रोमन दोनों फालतू, ओ भाई भाई भाई, रोमन ने कर दिया ना कांड, स्पीयर लगा दिया और रोमन अंदर, चलाक रोमन अंदर आ चुके, सीना गए, सीना का टाटा हो गया। रोमन ने टैग भी दे दिया सीना, अरे सीना काउंट आउट से सीना एलिमिनेट हो गया भाई, लेकिन कट एंगल भी कम नहीं है, सोलो से स्टील स्टेप्स का बदला ले रहे हैं, कट एंगल एंकल लॉक लगा के लेकिन टैप आउट नहीं कर रहा है ये। 3-on-2 का मैच है फिलहाल, ब्लडलाइन जीत रही है, अगर कट एंगल एक एलिमिनेशन कर दे तो अलग बात है, फिर 2-on-2 का मैच हो जाएगा। कट एंगल आई थिंक एक और एंकल लॉक ही के लिए जा रहे हैं, चलो भाई सोलो का लगता है टाटा हो गया और कट एंगल ने अपना बदला ले लिया, स्टील स्टेप्स वाला एलिमिनेट, एलिमिनेट होना ही था भाई, दो दो एंकल लॉक लगाया एक साथ। ट्राइबल चीफ वर्सेस कट एंगल, 2-on-2 का मैच है, ट्राइबल चीफ दो दो फिनिशर यानी कि दो गिलिटीन, ट्राइबल चीफ को लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या ट्राइबल चीफ लगाना नहीं चाह रहे। अब यहां से एक एक मूव ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी गलती और मैच हाथ से निकल जाएगा। कट एंगल ने ना इस मैच में बहुत सारे गिलिटीन छीने हैं, वरना ये कब के एलिमिनेट हो जाते। रोमन को एंकल लॉक लगा दिया है ट्राइबल चीफ, वो ट्राइबल चीफ एलिमिनेट भाई, ब्लड लाइन हारने वाली है, ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट कर दिया। 1v2 का मैच है, वो भी जिमी उसो वर्सेस कट एंगल और ब्रॉक लेसनर, भाई साहब जिमी उसो को 1v2 करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है ऐसा होना। ओ कट एंगल एक लात से एलिमिनेट, भाई साहब 1v1 का मैच हो गया, काफी ड्रामेटिक मैच चल रहा है, 1v1 पे बात आ गई है। जिमी उसो वर्सेस बीस्ट इनकार्नेट, हियर कम्स द पेन, ब्रॉक लेसनर, लेकिन अगर देखा जाए ना तो जिमी उसो के पास ज्यादा हेल्थ है, लेसनर की बॉडी लाल है, जिमी उसो के पास एक सिग्नेचर, तीन तीन फिनिशर भाई, जीतने के लिए आई थिंक एक फिनिशर काफी होगा। ब्रॉक लेसनर नॉकआउट होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ब्रॉक लेसनर कुछ बहुत ही अच्छा करके दिखाना होगा, तभी ब्रॉक इस मैच में जीत सकते हैं। इस सिचुएशन में फिलहाल अपर हैंड जिमी उसो के पास है, लेकिन सामने दिक्कत ये है कि पहाड़ जैसी मुसीबत जिसका नाम ब्रॉक लेसनर है वो खड़े हैं। जिमी उसो ने अगर आज 1v2 कर दिया ना, वो भी कट एंगल और ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, तो रोमन भाई बहुत शाबाशी देंगे। तो जिमी उसो ऐसा करके दिखा और काउंट आउट मत करवा लेना भाई, डबल काउंट आउट मत करवा लेना, ड्रॉ में खत्म मत करना इस मैच को, मतलब ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ठीक है, ड्रामेटिक तक ठीक है, ओवर ड्रामा नहीं करना है मैच में, मतलब जैसे रियल लाइफ में हो जाता है WWE कर देते हैं जानबूझ के, जब उनको दोनों टीम को नहीं हराना रहता है, ऐसा मत करना यहाँ पर, डबल काउंट आउट नहीं चाहिए भाई, चाहे कुछ हो जाए, इतना लंबा मैच चला है, मैच का रिजल्ट चाहिए, ड्रॉ में मैच नहीं खत्म होना चाहिए, वरना मैं आज ही रीमैच कर दूंगा चाहे कुछ हो जाए, भले ही मुझे सबकी हेल्थ कम करके लगानी पड़ी मैच, लेकिन मैं करूंगा भाई रीमैच। जिमी उसो ने स्पाइन बस्टर भी लगा दिया, अब तो अंदर जा और अंदर रहेगा तो जीत सकता है, अगर अंदर ही रहता तो जीत जाता काउंट आउट से, लेकिन कोई बात नहीं, जिमी को काउंट आउट विन नहीं चाहिए, जिमी को पता नहीं क्या चाहिए, जिमी क्या चाहिए भाई, ब्रॉक लेसनर को उधर गिरा हुआ छोड़कर मार सकता था, पता नहीं कहां टहलने लगा भाई, गार्डन में आया जिमी उसो, ब्रॉक को अंदर लेके जा, जिमी जीत सकता है, ब्लड लाइन जीत सकती है, तीन तीन फिनिशर है, अब ये गया जिमी उसो, ब्रॉक लेसनर को अपर हैंड मिल गया, अब ये पिटेगा, मुझे लग रहा था ब्रॉक के पास फिनिशर भी यहां नहीं वाला है। जिमी उसो भाई ट्राइबल चीफ ने तेरे को ये मैच थाली में परोस के दिया था, ऑलमोस्ट जीत ही गया था, अगर इसके बाद भी हार गया ना
बैकस्टेज में ट्राइबल चीफ पीट देंगे तेरे को। पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रॉक कम से कम फिनिशर तो लगेगा, उसके बिना ये हारने वाला है नहीं। या शायद फिनिशर के बाद भी किक आउट कर दे, क्या पता, उतना मार ही नहीं खाया इस मैच में जिमी। ब्रॉक ने चेयर अच्छा अच्छा दिमाग लगाया था, लेकिन जिमी उसको भी फुल एक्टिव है। अंदर अंदर लेके जा ब्रॉक, अंदर लेके जाओ ब्रॉक, इससे पहले डबल काउंट आउट हो जाए। नहीं, ब्रॉक को नहीं चाहिए डबल काउंट आउट, ब्रॉक चेयर लेकर आके रहेंगे। वाह ब्रॉक वाह, चेयर का यूज होने वाला है, लेकिन जिमी उसको कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। जिमी अब मैच खत्म होने का इंतजार कर रहा है भाई, अपना सिग्नेचर फिनिशर देने के लिए। दे दे अब सिग्नेचर फिनिशर, मैच अब एंड के करीब आ गया, कभी भी एंड हो सकता है। रिवर्स किया ना, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया जिमी, सिग्नेचर कॉर्नर वाला दे। अरे पता नहीं क्या कर रहा है जिमी उसको, ऐसे पिनफॉल नहीं होगा। कोई और रहता तो शायद हो भी जाता, पर ब्रॉक लेसनर है तो ऐसे तो पिनफॉल नहीं होने वाला है। जिमी उसो स्प्लैश के लिए, पता नहीं यार ब्रॉक खड़े भी हो जा रहे हैं ना, तो ये भी कैसे दे उसो स्प्लैश। केंडो स्टिक लेके आ रहा है, इस केंडो स्टिक की वजह से ना हारेगा जिमी उसो। ब्रॉक के पास अब दूसरा फिनिशर आने वाला है और एक सिग्नेचर भी है, और अब लगता है जिमी उसो गया। ट्रिपल पावर बॉम्ब जो कि ब्रॉक का पहले सिग्नेचर था, बहुत ही जोर जोर से पटकेंगे भाई ब्रॉक। जिमी उसो की दुनिया ना पलटने वाली इस मूव के बाद। अगर बॉडी लाल हुई, बॉडी लाल नहीं हुई, पिनफॉल नहीं होगा। लेकिन जिमी तो अभी तो किक आउट कर देगा, लेकिन ब्रॉक के पास दो दो फिनिशर है, ये रिवर्स करना जिमी उसो, वरना अब खत्म है खेल। जीता हुआ मैच जिमी उसो हारने वाला है, डबल रिवर्सल था वो भी नहीं किया, और ये जीता हुआ मैच ब्लड लाइन हारने वाली है जिमी उसो की वजह से। ओके किक आउट कर दिया, अच्छा किया, वरना ट्राइबल चीफ बहुत मारते। ब्रॉक ने केंडो स्टिक उठा लिया भाई, अब केंडो स्टिक से मारोगी, केंडो स्टिक से, लेकिन पड़ी नहीं, अब पड़ी और अब पड़े ही जा रही है जिमी उसो। इसके बाद एक भी फिनिशर लगा ना, किक आउट नहीं कर पाएगा। अब तो दे दे अपना सिग्नेचर फिनिशर, अब तो जाओ उसो स्प्लैश के लिए। ब्रॉक अब खड़े भी नहीं हो रहे थे, इसने चेयर उठा लिया। देखते हो ना, जीता हुआ मैच, जिमी ने हारने की तैयारी कर ली है। चेयर से मारने से क्या होगा, फिनिशर लगा खत्म कर, लेकिन फिनिशर के बाद भी ब्रॉक किक आउट कर देंगे, क्योंकि ब्रॉक के पास रेजिलेंसी है। ये फिनिशर के लिए जा ही नहीं रहा है जिमी उसो, क्या कर रहा है भाई, जाना फिनिशर के लिए। उसो स्प्लैश भूल गया, उसो स्प्लैश देना, ऐसे पिनफॉल नहीं होगा जिमी उसो। जिमी को मैं बोलते रह जाऊंगा मैच खत्म होने वाला है, ये अपना फिनिशर नहीं देगा। केंडो स्टिक की वजह से हारेगा, क्या कर रहा है, लगा दिया ना, पड़ा इसको, पड़ा केंडो स्टिक की वजह से। मना कर रहा था मत करिए सब। ब्रॉक के पास एक और फिनिशर है, ब्रॉक ने भी केंडो स्टिक उठा लिया। ब्रॉक ओके, फिर इसके हाथ में वेपन्स का कुछ ज्यादा ही यूज हो गया इस मैच में, लेकिन ठीक है। अरे गलत टाइम पे केंडो स्टिक से स्टाइल मारा और लग गया भाई F5 बैंडेज, देख लो ब्रॉक लेसनर का। और इसी के साथ रूथलेस एग्रेशन की टीम जीत चुकी है। टीम ब्लडलाइन का ना ये जीता हुआ मैच था। Here are your winners, Leviathan, Kurt Angle, Brock Lesnar, and John Cena. Kurt Angle और ब्रॉक लेसनर ने भाई इस मैच में बहुत ही अच्छा खेला है, और भले ही ब्लडलाइन हार गई लेकिन ट्राइबल चीफ ने भी अच्छा खेला। तो फील गेम फैमिली, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, और मैं मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो सब, सेफ रहो, अच्छे से रहो, बाय बाय।